चलो जल्दी टेप लगाओ। सी वाओ अमेजिंग, अच्छा है ना ये वाला एंगल देखो। हियर वी लॉस्ट। ये क्या है? ये तो लॉ मिनिस्टर विद्यानाथ है। उन्होंने तो मर्डर कर दिया। अब क्या करें? चलो गोपी से पूछते हैं। उसका फोन एंगेज है। कुछ तो करना होगा। हेलो कंट्रोल रूम, मुझे कमिश्नर के ऑफिस का नंबर देंगे प्लीज? 2466-9832। 2466-9832। थैंक यू। हेलो कमिश्नर ऑफिस, मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? उन्हें एक मर्डर के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी सर। जॉइंट कमिश्नर से बात कराता हूँ। कमिश्नर साहब छुट्टी पे हैं। हेलो सर, मेरा नाम विनोद है, मैं एक एड फिल्म मेकर हूँ। हाँ बोलिए मिस्टर विनोद। सर लॉ मिनिस्टर विद्यानाथ की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उनका मर्डर किया गया है सर। आपको कैसे पता? सर मेरे कैमरे में उस हत्या की रिकॉर्डिंग है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अन्ना नगर। आप कहें तो मैं वहां आ सकता हूँ सर। आपको आने की जरूरत नहीं, एड्रेस बोलिए, मैं वहां आता हूँ। 130 3rd Main Road, 1st Cross Street, अन्ना नगर वेस्ट। अन्ना नगर वेस्ट सर। ओके, इसका जिक्र आप किसी से मत करिए, मैं थोड़ी देर में वहां आता हूँ। ओके सर। जॉइंट कमिश्नर खुद यहाँ क्यों आ रहे हैं? हाँ दरोगा बोल। सर एक प्रॉब्लम आ गई। तेरे होते मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? विनोद तुमने फोन किया था? कब से इतना फोन ट्राई कर रहा हूँ, किससे इतनी लंबी बात कर रहा था तू? क्या हुआ? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें पार्टी मेंबर शंभु ने विद्यानाथ का मर्डर किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं यार। मेरी जॉइंट कमिश्नर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो खुद आ रहे हैं। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, बहुत डर लग रहा है यार। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने विनोद, वो उनसे मिला हुआ है। वो शंभु का आदमी है। एक काम करो, जल्द से जल्द वहां से निकल जाओ, उसके आदमी वहां कभी भी आ सकते हैं। क्या हुआ विनोद? पूजा तुम जल्दी से अपने घर जाओ। आखिर क्या बात है? अभी समझाने का वक्त नहीं, तुम जाओ जल्दी से घर, प्लीज गो। हाँ बोलो पूजा। तुम्हारे घर के बाहर कुछ गुंडे आए हुए हैं, तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। हाँ, देखता हूँ। बालकनी से हमें कोई झांक रहा था। कार में ही खत्म कर देते हैं। हे जल्दी करो, बड़ा से जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चल, बड़ा से, अबे हट, बड़ा कर जा, जा किधर भाग कर जाएगा, जल्दी करो, बड़ा से जाएगा, जल्दी
रुक जा। मर गया। बोला, बोला, बोला। चल चल जल्दी करो। चल जा। हे, ट्रेन में चढ़ा था। बाथरूम जोर से आई है या तेरे पीछे कोई वीराना का भूत पड़ा हुआ है? इतना खर्चा करके हमने बेल लगवाई है तो उस बेल को बजाना चाहिए ना तुझे। माँ प्लीज ताने मारना बंद करो और पानी दो। ये ले हिमालय से मंगाया। What happened? You looking tension? मर्डर होते देखूंगी तो टेंशन होगी ना। ओए कीगल कर रही है। आज मैं जब अकेली लोकल ट्रेन से घर आ रही थी, तेरी वो फ्रेंड रागनी और शीला तेरे साथ नहीं थे? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। हाँ। जब मैं ट्रेन में बुक पढ़ रही थी तभी वहाँ बुक क्यों पढ़ रही थी? बुक पढ़ने के लिए कॉलेज है ना, मैंने अपने गहने बेच कर तेरी फीस भरी थी। ओके ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। हाय 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 माय लवली डॉटर, टेल अस लिसनिंग। बीच में नहीं बोलोगी ना? साइड में बोलूंगी। मैं ट्रेन में जब अपनी बुक पढ़ रही थी ना तब एक औरत खून खून चिल्लाने लगी, पीछे देखा तो एक आदमी चाकू लेके खड़ा था। हाय रब्बा, इसीलिए कहती हूँ हमेशा लेडीज डब्बे का सेकंड क्लास का पास निकाला कर। इरिटेट मत करो, एक तो मेरा बैग खो चुका है। बैग बैग मत कर, मैं स्लिप कार्ड से मंगा दूंगी, 40 रुपए का ही तो था। तू मंदिर जाके 11 पैसे का प्रसाद चढ़ा दियो। अच्छा ये बता, खा के नहाएगी या नहा के खाएगी? नमकीन रसगुल्ले बनाए। मम्मी कसम खाओ तुम्हें मेरे करेले का हलवा इतना पसंद आया। करेले का नहीं था वो। खैर वो छोड़ो, जाना तो पेट में ही था, कैसा लगा तुम्हें? सुपर। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया। हाय हाय, इतना गुड था क्या? और नहीं तो क्या। ओहो इतनी भी तारीफ ना करो कि मैं रेसिपी बुक की लिख दूं। ए, ईट ना। क्या खाऊं? तुमसे नहीं दिव्या से कह रही हूँ, इतनी बड़ी हो गई बट नो सेल्फ ईटिंग। मृतक विनोद कुमार कई बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए मशहूर एडवर्टाइजमेंट्स बना चुके थे और इससे भी इसी मर्डर की बात कर रही थी। मम्मी बचाओ, आज लोकल ट्रेन में एक आदमी का मर्डर हो गया। वो मर्डर दिव्या ने कर दिया और उसके बाद नहीं, उधर क्या बोल रही हूँ, मतलब दिव्या की आंखों के सामने ट्रेन में मर्डर हो गया। ओके ओके बाय, घूमती मामी। ट्रेन में सफर कर रहे एक युवा को किसी महिला का एक हैंड पर्स मिला है। आइए इस पर्स के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। मैं सोच रहा था कि देश को कैसे सुधारा जाए, तभी चार लोग डिब्बे में घुसे, एक टकला था, एक बाल वाला था, एक छोटी वाला था। उन तीनों ने चौथे को घुसा डाला, फिर भगदड़ में ये बैग मेरे पास आ गया। माँ ये तो मेरा बैग है, मैं उसे जानती ही नहीं हूँ, मुझे ये वापस कैसे मिलेगा? रुक रुक रुक, सुनने तो दे। दिखने में सीरियल के हीरो जैसा है, तेरा बैग लौटा देगा, ऊपर वाले इसे मेरा दामाद बना दे, मैं तुझे पूरे 75 पैसे का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हेलो दिव्या बोल रही है? आप कौन? मेरा नाम आनंद है। दिव्या का बैग ट्रेन में गिर गया था, वो मेरे पास है। बैग वाला लड़का आ गया ना? बात फोन आ गया ना, नए बैग का खर्चा बच गया, देखा? हेलो मैं दिव्या की यंगस्टर मम्मी बोल रही हूँ। जी वो दिव्या का बैग ट्रेन में गिर गया था ना, तो उसे लौटाना था।
अभी अभी तुम्हें बेसहारा टीवी पर देखा, तुम ना बहुत ही क्यूट लग रहे थे। टीवी से आइडिया नहीं लगेगा, मैं घर आता हूँ ना, फिर देखिए मैं कितना हैंडसम हूँ। वो घर आ रहा है। अभी मत आओ, तुम्हें ना अंधेरे में हमारा घर मिलेगा, निकल आना। आपको ये कैसे पता चला? तुम्हारी शक्ल से लगता नहीं यहाँ के हो। लगता है बड़े गौर से देखा। ओके ओके, अभी के लिए बाय है जी। पब्लिक में क्यों मारा उसको? उसे मारना जरूरी था क्योंकि उसने वो टेप देख लिया था। अगर वो किसी और को बता देता तो सारा खेल खत्म हो जाता। बस इसीलिए मैंने उसे मारने का ऑर्डर दिया। देखो, अगर वो टेप किसी के हाथ लग गया ना तो तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। भाई क्या है? वो लड़की, लड़की जिस फ्लैट में विनोद था वहां पर एक लड़की भी थी। हा? मुझे लगता है वो टेप उसने उसे दे दिया होगा। उसके बारे में और कुछ जानते हो? That's not a big problem. हम उस लड़की का पता लगा लेंगे। दूसरी बार तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, उससे मैं ही निपटूंगा। फिक्र मत करो पूजा। उन्होंने विनोद को क्यों मार दिया? विनोद, विनोद की क्या गलती थी? कोल्ड ब्लडेड मर्डर। विनोद तो बेकसूर था ना गोपी? विनोद ने एक गलती कर दी पूजा, उसने उस टेप के बारे में जॉइंट कमिश्नर को बता दिया। यानी कि जॉइंट कमिश्नर कैलाश नहीं, विनोद का खून करवाया है ना? मैं ये बात कमिश्नर को बताऊंगी, मैं खुद उनके पास जाऊंगी और सब सच बोल दूंगी। वो तुम पर यकीन क्यों करेंगे? तुम तो मीडिया में हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। हम विनोद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं।